फ्रेंड्स, सो दिस वॉज द वीडियो दैट आई रियली वॉन्टेड टू मेक. सो मेरा लास्ट डेट ऑफ डिलीवरी है 12th of April. तब तक अगर नॉर्मली कुछ स्टार्ट नहीं होता देन आई विल गो फॉर द सी सेक्शन ऑन 13th, और उससे पहले भी कर सकते हैं अगर डॉक्टर ने कुछ सलाह दिया. सो मैं बताना चाहती हूँ कि इट्स अ बॉय और अ गर्ल. तो थ्रू आउट माई लाइफ आई वॉज सफरिंग फ्रॉम एक्ने, बट नॉट दिस टाइम हैज़ द माई बेबी हैज़ कम. एक्ने हैज़ गॉन, स्किन हैज़ क्लियर्ड अप, सो इट्स अ बॉय. फिर उसके बाद हार्ट बीट. थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी माई हार्ट बीट वॉज अराउंड 140, 145, 146, 138, 139. सो फॉर द बॉय अगेन 2 point. नाउ वॉमिटिंग. अगर वॉमिटिंग नहीं होती है तो बॉय, होती है तो गर्ल. मुझे पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग हुई है और सेकेंड ट्राइमेस्टर में, फोर्थ मंथ में हुई है. तो 1 point फॉर गर्ल. फिर कैरिंग ऑन द राइट और लेफ्ट. आई एम कैरिंग ऑन द राइट, माई बेबी इज स्पाइन ऑन द राइट. सो फॉर द बॉय. पोस्टीरियर और एंटीरियर. माई प्लेसेंटा इज पोस्टीरियर, सो अगेन इट गोज फॉर द बॉय. आई एम कैरिंग हाई और लो. अभी तो आई कैन नॉट टेल, सो इट्स नलीफाइड बिकॉज आई एम नॉट एबल टू जज. द बॉय इज इन द फ्रंट और ऑल ओवर द बॉडी, सो द बेबी इज इन द फ्रंट. सो अगेन 1 point फॉर द बॉय. एंड या सो दिस वॉज ऑल. सो लेट्स सी कि 12 तारीख को कौन निकलता है, बॉय और गर्ल. जो भी निकले बस ऐसा लगता है कि वो हेल्दी हो, हैप्पी हो, इंटेलिजेंट हो, और ही कैन लिव अ ब्यूटिफुल लाइफ विदाउट हिज मदर एंड फादर. सो लेट्स सी. बाय.